व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस, और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज बिजनेस स्ट्रेट्स की शानदार क्लास में। काफ़ी टाइम बाद मिले हैं और आज बात करने वाले हम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। मुझे पता है अभी थोड़ा सा पेपर के में गैप है, तो इस टॉपिक को क्लियर करके मोस्ट ऑफ ऑल हमारी बिजनेस स्ट्रेट्स कम्प्लीट हो जाएगी। तो आसानी से इसको दो तीन वीडियो के अंदर फिनिश करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। मैं आइएगा शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और ये बात ध्यान रहे बच्चों, जितने बच्चे बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं मेरे चैनल से, वो बहुत अच्छी मार्किंग लेकर आते हैं, बट इम्प्लीमेंट अगर करते हैं तो ऐसा नहीं कि वीडियो देख ली और इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, 100% गारंटी लूंगा आपके बहुत अच्छे मार्किंग आएगी। आइएगा देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है आज का। सबसे पहले जो मैं इसमें टाइम सीरीज के अंदर जो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आपको जो मैं आपको इक्वेशन बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ आपको टिप्स पे याद रखना, मतलब मत सोचना टिप्स याद रखना। टिप्स क्या है? टिप्स है इसकी वाई सी इज इक्वल टू, जो इक्वेशन बनेगी वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन याद रखिएगा, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। अब ये आई कैसे हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वाई सी जो होता है वाई सी का मतलब होता है रिक्वायर्ड ट्रेंड वैल्यू। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। ए और बी आर कॉन्स्टेंट, ए एंड बी जो होता है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं आप लोगों से, हम टू इक्वेशन से हम इसको ए और बी को फाइंड जब करते हैं, टू इक्वेशन को थ्रू क्या आता है, ए एंड बी को फाइंड करने के लिए जब आप फाइंड करते हैं तो टू इक्वेशन के थ्रू फाइंड करते हैं, कैसे, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरी इक्वेशन आती है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये आप लर्न कर लीजिएगा, इन दोनों के थ्रू हमारी ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ए का फॉर्मूला अगर मैं बताऊँ आपको तो ए का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, और बी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। सभी चीज़ें क्वेश्चन में क्लियर होती हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन आज का, ईयर दे दिया, वैल्यू दे दी, क्या कह रहा है, फिट ए ट्रेवर्स लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको कॉलम प्रिपेयर करने हैं, तो मैं अपनी लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। और कितने कॉलम ड्रॉ करने हैं आपको, 1 2 3 4, 1 2 3, और फोर्थ कॉलम जो है वो थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। आइएगा सबसे पहले ये देख लीजिए, ये आपको दिया है ईयर और ये वैल्यू, इसका मतलब ये आपका वाई है, यहाँ पे एक्स और वाई है ना, ये आपका एक्स और ये आपका वाई। तो सबसे पहले यहाँ पे x निकाल देते हैं। x कैसे निकलता है देखो मैं आपको बता दूँ,
यहाँ पे आपका मिड जो है वो 90 91 है। तो आप क्या करेंगे, देखो सब में कितने कितने गैप आ रहा है, ध्यान से सुनना। 10 का गैप आ रहा है 1981 से 81, 10 का गैप आ रहा है 81 से 91, 10 का गैप आ रहा है ना, 10 का, यानी कि गैप कितने कितने का है, 10 10 का, कितने कितने गैप है, 10 10 का। तो एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 90 91 डिवाइडेड बाई 10, 90 91 डिवाइडेड बाई 10, कितने का अंतर आ रहा सब में, 10 10 का, ठीक है ना। तो डिवाइड बाई आप 10 कर देंगे तो आप देखेंगे 1971 में से 1991 के कितना बचेगा, 20, और डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा, माइनस के 2। 1981 में से 1991 माइनस के 10, 10 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1, ये 0 याद आएगा। 2001 में से 1991 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 2011 में से 1991 20, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2। इसके बाद बनाएंगे आप अगला कॉलम जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर का, तो 2 दूनी 4, 1 एकम 1 0 0 0, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। इसके बाद जब एक्स स्क्वायर बन गया, अब बनेगा एक्स वाई, एक्स ये रहा वाई ये रहा, 34 दूनी 68, 50 एकम 50, 67 0 67 67 0 0, 75 एकम 75, 85 दूनी 170। इसके बाद अब यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे जो निकलेगा वो ट्रेंड वैल्यू निकलेगी, ट्रेंड निकलेगी यहाँ पे, ट्रेंड वैल्यू वाई वाई सी है ना, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स निकल रहा है, बट अभी इसका यूज नहीं, पहले पूरा निकालो इसका, सिग्मा एक्स वाई निकालो आप, कर दीजिए इनको टोटल माइनस कर दीजिए, 127 आ जाएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर करिए, 4 4 8 2 10 आ गया, और सिग्मा एक्स करिए 0 आ गया, और सिग्मा वाई करिए 311 आ गया, और एन इक्वल टू कितना आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। ए की वैल्यू का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको अभी पीछे, क्या बताया था, सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई 311, एन की वैल्यू 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 62.2। बी की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा एक्स वाई बटे सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई 127 है और सिग्मा एक्स स्क्वायर 10 है, कितना आ गया, 12.7। बड़े बच्चों समझ रहे होंगे है ना। अब यहाँ पे आपको निकालना है, फाइंड करना है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई ना, अब यहाँ पे देखो पुट कर दो बस सीधा, जब ए की वैल्यू आ गई आपके पास बी की वैल्यू भी आ गई, तो मैं थोड़ा कलरफुल से कर दूँ, ए की वैल्यू 62.2 यहाँ पे लिखो, 62.2 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 12.7, तो यहाँ पे लिखो 12.7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये रही माइनस के 2, तो आपको माइनस के 2 यानी कि इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको, 62.5 प्लस 12.7 इंटू माइनस के 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस हो गए, कैलकुलेटर आपके पास ये 36.8 आ जाएगा, 36.8। इसके बाद ऐसे ही 62.2 प्लस 12.7 इंटू माइनस के 1, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएंगे, सॉल्व करोगे तो आएगा 49.5, ऐसे ही यहाँ पे 62.2 प्लस 12.7 इंटू कितना है, 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये जुआ तो जाएगा 62.2 जुआ तो जाएगा। इसके बाद फिर 62.2 प्लस 12.7 गुना कितनी वैल्यू है एक्स की, 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और ये प्लस हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे तो आएगा 74.9। आपके पास कैलकुलेटर है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
फिर 62.2। हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ए की और बी की वैल्यू पुट करके एक्स से गुना गुना कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें जोड़ दो, 87.6 आ जाएगा। ट्रेंड वैल्यू निकालने सिखा दिया आपको। अब ट्रेंड वैल्यू निकालने के बाद अब क्या करना है, एस्टिमेट फॉर द ईयर। एस्टिमेट ईयर देखो, एस्टिमेट ईयर कैसे, 2011 के बाद अगले 10 साल के बाद कौन सा ईयर आएगा, एस्टिमेटेड ईयर 2021, 10 साल के बाद। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो यानी कि 2021 में से शुरुआत वाला 1991 माइनस कर दो, मतलब जो हमने लेट किया था, और भाग कर दो आप 10 से, कितना आ रहा है, 30/10। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 3। तो यानी कि वाई 2021 क्या बनेगा, वाई 2021 की इक्वेशन क्या बनेगी, बनेगी ए प्लस 3b, है ना। ए की वैल्यू 62.2 प्लस 3 गुना, बी की वैल्यू 12.7। तो इसकी दोनों की गुना करो, इसे जोड़ दो, ये आएगा 100.3। वाई 2021 जो है वो आपका 100.3 आएगा फाइनल आंसर, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड ये भी करना था, फाइंड यही करना था, फाइंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 2021, यही बताना था इसके अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। एंड साथ ही अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कुछ भी क्वेरी आपकी, कुछ भी पूछना है आपको, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। एंड जो भी आपकी क्वेरीज है वो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं हम आपको, आप हमें, और कुछ भी जो भी हमारा जो भी हमसे होगा वो हम आपको शॉर्ट आउट करके ज़रूर देंगे। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर टाइम सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।